अब तक आपने जितने भी मंदिर देखे होंगे वहाँ पिंड रूपी काल भैरव के दर्शन हुए होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहाँ बाबा काल भैरव की पूरी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में मौजूद है, जिसे विश्व का एकमात्र मंदिर बताया जाता है। यहाँ बाबा की खड़ी प्रतिमा है, इसमें आप बाबा का चेहरा, हाथ पांव सहित पूरा शरीर देख सकते हैं। बता दें कि कुंदा नदी के तट पर स्थित बाबा श्री काल भैरव का यह प्राचीन मंदिर करीब 350 वर्ष पुराना है। नदी के किनारे प्राचीन किला बना हुआ है। इसी किले की दीवार पर स्थापित बाबा काल भैरव का मंदिर होने से उन्हें द्वारपाल या फिर कोतवाल भी कहा जाता है। बाबा की इस पूरी खड़ी प्रतिमा को देखने और यहाँ की महिमा जानने के लिए हम भी मंदिर पहुँच गए। यहाँ पुजारी राकेश वर्मा एवं पंडित अंतिम गोस्वामी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि विश्व में एकमात्र यह मंदिर है जहाँ बाबा काल भैरव पूरे शरीर के साथ मौजूद हैं, बाकी जगहों पर पिंड स्वरूप में ही दर्शन होते हैं। मंदिर में बाबा अपने एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में डमरू पकड़े हुए हैं। काल भैरव के इस मंदिर में भक्त बाबा को इमरती, पान का बीड़ा और मदिरा का भोग भी लगाते हैं। मंगलवार, शनिवार और रविवार को बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन लाभ लेने के लिए पहुँचते हैं। विगत कई वर्षों से भक्तों के द्वारा भैरव अष्टमी के दिन यहाँ बाबा काल भैरव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल 5 दिसंबर को बाबा का जन्मदिन मनाया जाएगा। प्रातः 10 बजे विद्वान पंडितों के द्वारा रुद्राभिषेक होगा, शाम को श्रृंगार और 56 भोग लगेगा। बाबा की महाआरती की जाएगी, इसके बाद महाप्रसादी भक्तों में बांटी जाएगी। ये खरगोन नगर में कुंदा नदी के तट पर जो प्राचीन किले के मुख के ऊपर कोतवाल के रूप में काल भैरव जी का मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। कितना पुराना होगा ये समझो? 300 वर्ष से अधिक वर्ष पुराना है मंदिर है, ऐसा पूर्वज बताते आ रहे हैं। क्योंकि ये किले के मुख्य द्वार पे कोतवाल के रूप में एक किले की दीवार के ऊपर स्थापित थे। और क्या खासियत है प्रतिमा की? ये प्रतिमा भारत की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो कि भैरव जी के रूप में पूर्ण शरीर के रूप में खड़े भैरव बाबा के रूप में है। अधिकतर आपने अभी तक भैरव बाबा को पिंडी रूप में देखा होगा, लेकिन ये हनुमान भैरव बाबा जो है अपने दो भुजा में है, एक हाथ में इनके डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है, पूरे खड़ी और पूर्ण रूप की प्रतिमा है। और क्या मान्यता है यहाँ? यहाँ की मान्यता है यहाँ भगत हर मंगलवार, हर शनिवार, रविवार बाबा को इमरती का भोग लगाते हैं, मदिरा का भोग लगाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके फिर प्रसाद, पानी, पान का बीड़ा, जो भी बाबा को भोग लगता है वो सभी प्रकार का भोग लगता है यहाँ पर। 5 दिसंबर को अभी भैरव बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन सुबह प्रातः बाबा का अभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा। सुबह दस बजे से रुद्राभिषेक होगा विद्वान पंडितों के द्वारा। फिर शाम को बाबा का श्रृंगार होगा, 56 भोग लगाया जाएगा और महाआरती की जाएगी। लोको लेटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।